काला और दखनी की टिप्स में खुश आमदी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। वीडियो को मुकम्मल वाच किया करें, दोस्तों को शेयर किया करें, लाइक किया करें। तितर के जो एग्ज़ होते हैं उनमें से काफ़ी दोस्तों के काले और SMS आ रहे हैं कि भाईजान हमारे तितर के उसने 10-12 एग्ज़ दिए हैं लेकिन एक बच्चा भी नहीं निकला, चिक्स एक भी नहीं निकले, क्या वजह होती है। उन्हीं बिना पर आज मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि तितर जब क्रॉसिंग कर रहे हैं, तितर क्रॉसिंग कर रहा है सही है नहीं कर रहा। अगर तितर क्रॉसिंग नहीं कर रहा तो तितर बाद तितर में पट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके लिए एक अलग इंजेक्शन होता है, वो लगाना होता है। तितर से क्रॉसिंग नहीं कर सकता। बाद अवकात ये होता है कि तितर में कोई नुक्स होता है या फीमेल में कोई नुक्स होता है, तो बरकैफ इन्हीं बिना पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि तितर अगर क्रॉसिंग नहीं कर रहा तो तितर को अपने फास्ट फूड देनी है, फीमेल को भी दें 3 आटा शाम टाइम दें और दोपहर टाइम अगर हो सके तो फिश कैप्सूल एक दिन, मादा को एक, मादा को एक, नर को एक टाइम देना, दिन में एक देना। और इसके अलावा अगर लूसन वगैरह मिल जाए, सब्ज़ा जितना मिल जाए वो तितरों को खिलाएं। इससे ये होगा कि जितने भी एग्स देंगे सब में से बच्चे निकलेंगे, ये गारंटी शुदा है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर लूसन अवेलेबल नहीं है तो कैल्शियम की कमी के गोलियाँ मिलती हैं बाज़ार से, वो आपने ले लेनी है। वो पानी में भुगो के, पानी में हल करके वो पानी इनको तितरों को खिलाएं पिलाएं। इससे ये होगा तो इससे भी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और अपने तितरों को बाहर के ओपन मॉल में खुला अगर आदि हैं तो खुला छोड़ा करें, क्योंकि इसमें वो मुख्तलिफ कीड़ा वगैरह और आबो हवा में फ़र्क होता है, आबो हवा से भी तितरों में मुख्तलिफ बीमारियों की कमी हो सकती है। और आप ये भी देखें कि जहाँ आपके तितरों ने एग्स दिए हैं वहाँ पे धूप तो नहीं पड़ती, सूरज की रोशनी भी रोशनी से भी एग्स ख़राब हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।